शब्द मूवी देखिए सिर्फ FWF ओरिजिनल्स पर। जोधपुर की एक अदालत ने गुरुवार को अभिनेता सलमान खान को वर्ष 1998 के काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार दिया है और उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई है, जबकि इस मामले के अन्य 4 आरोपी बॉलीवुड स्टार्स सैफ अली खान, तबू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया गया है। सैफ अली खान के पिता मंसूर अली खान पटौदी भी काले हिरण के शिकार के आरोपी रहे हैं। ये घटना 2005 की है, जब मंसूर अली खान पटौदी हरियाणा के झज्जर जिले में शिकार पर गए थे। खास बात ये है कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून को काले हिरण मारे गए थे। इस मामले का खुलासा तब हुआ था जब झज्जर के SHO ने पूर्व क्रिकेटर मंसूर अली खान और उनके शिकार टीम में शामिल रहे 6 लोगों को पकड़ा था। पुलिस ने इनकी गाड़ियों से एक मादा काला हिरण और खरगोश के शव भी बरामद किए थे। पुलिस ने इस दौरान .22 बोर की राइफल भी बरामद की थी। ये लाइसेंसी राइफल मंसूर अली खान की बेटी और अभिनेत्री सोहा अली खान के नाम से रजिस्टर्ड थी। बाद में साल 2009 में गुड़गांव DM ने सोहा के राइफल के लाइसेंस को रद्द कर दिया था। तब प्रशासन द्वारा तर्क दिया गया था कि सोहा ने नियमों का उल्लंघन किया है। इस मामले में फरीदाबाद में एक विशेष पर्यावरण अदालत ने 9 साल बाद जनवरी 2015 में सजा सुनाई थी। अदालत ने शिकार टीम में शामिल सभी 6 लोगों को 3 साल की कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि इस केस की सुनवाई के दौरान ही 2011 में मंसूर अली खान की मौत हो गई थी। इसके बाद आरोपियों की सूची से उनका नाम हटा दिया गया था। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की बॉलीवुड की अनसुनी खबरों के लिए। फिर मिलूंगी एक और ऐसी ही बॉलीवुड की इंटरेस्टिंग खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।